हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ माँ दुर्गा का स्मॉल साइज का स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं। मेरा एक सब्सक्राइबर है, उनका रिक्वेस्ट है कि आप बंगाली लुक का एक स्ट्रक्चर बना कर दिखाइए दुर्गा जी का। तो मैं आज स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। तो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए मैं आप लोगों को डिटेल्स बताता हूँ। तो मेरे पास देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पुराना स्ट्रक्चर है, इसको हम बनाएंगे किस तरह करके, मतलब सारा डिटेल्स आपको बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लंबाई है ये आपका 22 इंच का है, ठीक है लंबाई। और इस साइड में आपका चौड़ाई जो है वो आपका 6.5 इंच का है, मतलब आप जितना रख सकते हैं, 6.5, 7, 7 भी रखने से कोई दिक्कत नहीं है आपका, आराम से तब आपका स्पेस ज़्यादा मिलेगा। तो मेरा पास ये पुराना है, इसलिए मैं इसका जो मेजरमेंट है, जो इसका नाप है, उसी को मैं ही आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा। तो चलिए दिखाते हैं इस तरह कर। और एक चीज़ देखिए, इसकी जो मोटाई है इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा आपके पास लकड़ी होगा उस हिसाब से रहेगी। तो मेरे पास देखिए ये 1.5 इंच का मोटाई है इसका, ठीक है। और इसकी हाइट की बात करें तो ये लगभग आपका 1.5 फीट का होगा, ठीक है। तो 1.5 फीट का हाइट, मतलब ये बैकग्राउंड आपका 1.5 फीट रखना होगा। और मूर्ति आपका कम से कम ये जो बीच वाला ये है इसको आपको 8 इंच रखना होगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा रखिएगा तो फिर बैकग्राउंड से बड़ा हो जाएगा, तो आपको हमेशा ये छोटा रखना होगा। आपको मूर्ति के हिसाब से रखना, अगर बाद 2 फीट का बनाइएगा तो ये आपको 1 फीट रखना होगा। यहाँ पर मैंने देखिए 15 इंच का बैकग्राउंड रखे, तो मैं इसको 8 इंच में रखूँगा, तो वो भी मैं बाद में डिस्कस कर दूँगा किस तरह करते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ बनाकर। और पीछे में दिखाते हैं एक चीज़, देखिए शायद आपको दिखाई नहीं मिल रहा होगा, देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ और एक इस जगह पर है, मतलब टोटल 5 है उसको सपोर्ट देने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर पुराना लकड़ी है जो मेरा घर में रखा हुआ था, तो इसकी लंबाई देखते हैं। इसकी लंबाई 22 इंच का है, ये भी 22 इंच का है। मैंने दो लकड़ी मैंने 22 इंच का ले लिया हूँ, ठीक है। इसको अच्छी तरह से काट लिया हूँ, आप किसी से आरी से काट सकते हैं, लेकिन आपको सीधा काटना होगा, या फिर आप किसी भी फर्नीचर दुकान जाइएगा वहाँ पर आपको कटवा के ला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेरा पुराना चीज रखा हुआ था, तो उसको मैंने साइज करके 6.5 इंच का रखा हूँ, ये 6.5 इंच का है। मेरे पास यहाँ पर 4 है, लेकिन आपको चाहिए 5, ठीक है। और इस तरह का आपका प्लाईवुड लेना है, मतलब प्लाईवुड ये वाला नहीं, इसकी मैं जिस आपको ये दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ये जो है प्लाई 6 mm का है, इससे एक पतला आता है 4 mm का। तो 4 mm का अगर लीजिएगा तो पतला हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आपको 6 mm ले लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना होगा। आप अपना जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से ले लीजिएगा, आपको 50 से 60 रुपये खर्चा होगा। और चलिए दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है इस जगह पर हमें यहाँ पर मैं फेविकॉल का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट कांटे भी मार सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा फेविकॉल लगाता हूँ ताकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रह जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फेविकॉल लगा दिया हूँ दोनों साइड पर, ठीक है। इसी तरह करके चारों अभी इसमें लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पर देखें मैंने फेविकॉल लगा दिया हूँ, अब इसको जॉइंट कैसे करते हैं देखिए।
सबसे पहले देखिए ये जो है इस जगह पर हम जॉइंट करेंगे, ठीक है, इसको अच्छा तो ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर हम एक कांटी मारेंगे इस जगह पर। कांटे का साइज जो होगा आपका 1.5 इंच का होगा, ठीक है। ज़्यादा मोटा रखिएगा तो ये फट जाएगा, तो आपको लकड़ी के हिसाब से कांटी मारना। तो मेरे पास यहाँ पर 1.5 इंच का कांटी है, हम 1.5 इंच का कांटी मारते हैं। तो यहाँ पर मैंने कांटी इस तरह करके ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हम इस जगह पर और सेम इसको भी इस तरह करके कांटे मार देना होगा आपको। और ये वाला और ये वाला यहाँ से आपको 5 इंच लेना होगा, ठीक है। 5 इंच इधर से लीजिएगा और 5 इंच इधर से ले लीजिएगा। यहाँ पर आप मेरा 5 इंच ले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच का ले लिया। अब यहाँ से आपको मिडिल वाला जो पोजीशन है उस पर आपको 11 इंच में रखना होगा। यहाँ पर और एक इस तरह करके चाहिए और इसको अच्छी तरह से कांटी मार दीजिएगा चारों तरफ से बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लाईवुड है, ठीक, ये बीच वाला जो मिडिल पॉइंट का जो सपोर्ट है उसको आप ही मत मारिएगा, उसको लास्ट में मारिएगा। लास्ट में क्यों मारिएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह करके प्लाईवुड ले लीजिएगा, इस स्क्वायर टाइप का, इसका जितना नाप है उस हिसाब से ले लीजिएगा और उसको बढ़िया से एकदम, ये देख रहे हैं 20 नंबर का कांटी है, तो 20 नंबर कांटी से आपको पूरा चारों तरफ से बढ़िया से इसको लगा देना है। मतलब थोड़ा दूरी में यहाँ पर दीजिए, मतलब एक आपके हिसाब से दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं उसको हम बताते हैं कि हम किस तरह करते हैं। चलिए इसको अभी साइड में रखते हैं। अब आते हैं इस पर। तो जब आपका पूरा प्लाईवुड कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो पीछे का जो सपोर्ट है यहाँ पर मैंने, तो उसी के ऊपर हम कांटी मारेंगे और उसी पर मतलब लक्ष्मी जी और गणेश जी कार्तिक जी उसी के सपोर्ट में बनाएंगे। यहाँ पर मैंने कोई भी मतलब बात नहीं निकाला हूँ, इसको थोड़ा शॉर्ट में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ये बंगाली लुक का है इसीलिए मैं आपको बना कर दिखाऊँगा कि किस तरह हम करते हैं। मिडिल वाला पोजीशन है, देखिए मिडिल वाला पोजीशन में आपको एक बीच में मतलब यहाँ नहीं, थोड़ा पीछे में जिस साइड आपका पीछे रहेगा उस साइड में आपको एक होल कर लेना है जो मिडिल पॉइंट होगा। इससे यहाँ से यहाँ तक मिडिल पॉइंट करिए, उसको होल कर लीजिएगा, ठीक है। और बीच वाला जो है कुछ इस तरह करके आपको दोनों साइड से कांटी मार लेना होगा। इधर से भी एक कांटी मारना होगा, इधर से कांटी मारने के बाद ये वाला बीच वाला जो पोजीशन है वहाँ पर जाके इसको एडजस्ट कर फेविकॉल लगा के और यहाँ पर फिर से कांटी आपको मार देना है, ठीक है। तब आपका ये मिडिल वाला जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर साइड में देखिए मैंने कुछ भी नहीं दिया हूँ, यहाँ पर हम फेविकॉल से ही उसको बनाएंगे। यहाँ पर जस्ट एक बड़ा कांटी मारेंगे, दो इधर, उसी के ऊपर लक्ष्मी जी गणेश जी कार्तिक जी सब रह जाएंगे, ठीक है। अगर आप इससे भी बढ़िया बना सकते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आपको एक चीज़ याद रखना होगा, यहाँ पर चार इस तरह करके आपको स्क्रू लेना है। स्क्रू इस तरह लिए जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इसको पहले थोड़ा सा कांटी से इसको होल कर लीजिएगा और इसको पचकस से कस दीजिएगा।
देखिए यहाँ पर मैंने एक स्क्रूप लगाया हूँ, यहाँ पर भी एक स्क्रूप चाहिए, यहाँ पर स्क्रूप, यहाँ पर चार स्क्रूप चाहिए। इसको मैं किस लगाया हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जब हम बैकग्राउंड को ज्वाइंट करेंगे इस जगह पर तो मेरा मूर्ति कंप्लीट हो जाएगा। उस टाइम हम डायरेक्ट बैकग्राउंड को इस तरह करके जहाँ पर खोले वहाँ पर स्क्रूप से टाइट कर लेंगे। और अभी अगर फिक्स लगा देंगे काठी से तो हम जब मूर्ति बनाएंगे तो मेरा थोड़ा सा दिक्कत होगा बनाने में, तो इसीलिए हम बैकग्राउंड को बाद में लगाएंगे। अभी सिर्फ यहाँ पर बना इसको पहले मूर्ति को रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम इसको बैकग्राउंड को ज्वाइंट कर देंगे स्क्रूप लेके। ठीक है, कांटी से मारेंगे मूर्ति, अगर बन जाएगा फिर कांटी मारेंगे तो उसमें दिक्कत है आपको, मतलब वो टूटने का चांस हो जाता है, इसीलिए मैं कांटी नहीं स्क्रूप का यूज़ करूँगा। ठीक है, और अगर कोई अगर बना सकते हैं तो इसको एकदम सब डायरेक्टली फिक्स कर दीजिए, बैकग्राउंड आपका जितना है राउंड शेप में बना लीजिए और यहाँ पर कांटी से इसको अटैच कर दीजिए, बस हो जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको डिटेल्स बता दिया हूँ, अब आप लोग बताइएगा कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो इसी तरह करके देखिए चारों तरफ, और ये जो है एक बंगाली लुक का, जो बंगाली लुक होता है उसका हम मूर्ति बनाकर दिखाऊंगा। तो आपको फेविकोल रखना होगा यहाँ पर खड़ा करने के लिए मूर्ति को, हम आपको दिखाएंगे बाद में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा स्ट्रक्चर।